है गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज तो मतलब ब्लॉग बनाने गया था मैं, बट अचानक वहाँ पे लोग बोला कि यहाँ पे वीडियो नहीं बनता है, तो ब्लॉग नहीं बना पाया। बट उसका सीन मैं कुछ लेकर आया हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है। तो बोल रहा था लोग कि मतलब अगर अंदर से वीडियो बनाओगे आप तो 10,000 रुपये का फ़ाइन है। तो भी मतलब 10,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, तो इसीलिए मैंने अभी वहाँ पे कुछ अंदर से कोई शूट नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट बार जाऊँगा तो पक्का ही अंदर से शूट करके। तो फिर क्या था, मैं स्टेशन पे आया, अभी स्टेशन से घर जाने की ट्रेन देख रहा था, उतने ही देर में ट्रेन आ गई, ट्रेन पर चढ़ गया, ट्रेन पटना जंक्शन से खुल भी गई, और इतनी ही मतलब था, इसलिए ट्रेन से खिड़की के पास खड़े होकर देख रहा था। और बीच रास्ते मुझे प्लेन दिखाई दिया तो थोड़ा मैं प्लेन भी देखने लगा। अब कोल्हुर पुल पार कर रहा हूँ, जो कि अब्दुल बारिक सेतु पुल पुल का नाम है। कोल्हुर पुल से फेमस पुल है ये, बहुत ही अच्छा और शानदार पुल है, अंग्रेज़ों के बनाया गया पुल है ये। और अब हम आरा जंक्शन पर आ गए हैं, जो कि मतलब अपना आरा, जो जान से भी ज़्यादा प्यारा आरा है। आरा में आ गए हम लोग और आप देख ही रहे हैं कितने लोग गाड़ी से जाने के लिए वेट कर रहे हैं। आरा जंक्शन पे हैं तो मेरा दोस्त आया है अभी मुझे ले जाने के लिए, जो कि आज मैच था। ये देखिए मेरा दोस्त मयंक और उसके साथ एक और दोस्त है, इसका नाम तो नहीं पता। अब हम लोग चल दिए हैं यहाँ से, और ये आरा जंक्शन, और ये तिरंगा लहरा रहा है अपना एकदम अलग अंदाज में। और फिर हम लोग रोड पे आ गए हैं, जबकि रोड से आरा में जब भी स्टेशन रोड से निकलोगे आप तो थोड़ा जाम वाम का सामना तो करना ही पड़ेगा। और फिर पीछे वाले भाई लोग भी मुझे देखकर उनको लगा ब्लॉग बना रहे हैं, तो ये भी लोग अपना स्टाइल देने लगे। और अब हम लोग घुस गए अपना जैन कॉलेज, जो गेट है महाविद्यालय का गेट में एंट्री किए, अंदर जा रहे हैं हम लोग। और आगे से स्कॉर्पियो पार हो रही थी, और देखिए ग्राउंड के अंदर हम लोग आए, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम पूरे लड़के हैं। और ये देखिए अंदर से ग्राउंड कितना भरा हरा, पूरा बच्चे खेल रहे हैं। ये प्रणव है जो बहुत मस्ती करता है, और ये सब लड़के बहुत अच्छे अच्छे अब मुझे फुटबॉल खेलने का मन किया, तो ये भैया ने शूट मारेंगे अभी, मुझसे तो शूट पकड़ा नहीं जाएगा मुझे पता है, क्योंकि ये भैया अंदर से मार, इन भाई से तो आउट ही मारेंगे ये भाई, और ये भाई भी आउट मार देंगे मुझे पता है, नहीं तो मैं पकड़ लेता इनका। तो ये दोनों मेरे भाई ही हैं, ये सोनू भैया हैं और ये चिंटू हैं। अब सोनू भैया से हम कुछ पूछते हैं। सुन भैया कुछ बोला कुछ बोला पर बोला चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। हाँ तो सुन भैया बताइए, आप मतलब कितना दिन से लगे हैं इस लाइन में? बस 14 साल पूरा होने वाला है। 14 साल बनवा सब जल्दी खत्म हो गया। इनका ग्रुप डी में भी आ गया था और रेलवे के ड्राइवर में भी आया था, लेकिन हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा नुक्स हो जा रहा है, थोड़ा थोड़ा। और ये जो साहब हैं, ये इनका स्माइल देख रहे हैं आप एकदम नए 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 मतलब लगे हैं कुछ।